जहां मुंबई का डॉन बनने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने वारदात को अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए विजयदशमी का दिन क्यों चुना गया? क्या बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी भी निशाने पर थे? क्या रियल एस्टेट के धंधे का बाबा सिद्दीकी की हत्या से है कोई कनेक्शन? क्या हत्या के पीछे की वजह सलमान खान से दोस्ती नहीं बल्कि कुछ और है? कई बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस गैंग के नाम पर सुपारी ट्रांसफर तो नहीं हुई? नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में सवाल कई हैं और शक भी कई सारे हैं। खबर है कि बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले कई महीनों से उन पर नजर रखे हुए थे। घर से लेकर दफ्तर तक वो लगातार वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और उन्हें इसके लिए बाकायदा एडवांस पैसे भी मिल गए थे। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना आपने अभी सुना। हमारी टीम के 6 रिपोर्टर्स इस वारदात से जुड़े अलग अलग सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और सभी सवालों के जवाब भी जानिए। क्या लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई का डॉन बनने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई? हम ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि जेल में रहते हुए कई बार लॉरेंस ने अपने गुर्गों और अपने साथियों को कुछ इस तरह के मैसेज दिए कि वो अपने गैंग का सिक्का मुंबई में जमाएं, जिससे कि उसका गैंग मुंबई में खड़ा हो सके और दाऊद का दबदबा खत्म करके वो मुंबई का डॉन बन पाए। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में दो सुपारी किलर्स के पकड़े जाने के बाद भी मुंबई पुलिस को ये नहीं पता चल पा रहा है कि हत्या का मकसद क्या था, क्योंकि सुपारी किलर्स को केवल ये बताया गया था कि उनका टारगेट क्या है। इस बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे दाऊद कनेक्शन के एंगल से जांच जारी है। लॉरेंस बिश्नोई के सोशल मीडिया पोस्ट पर लगातार दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आता रहा है, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम देकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि मुंबई में अब सिर्फ उसका सिक्का चलता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। यहां तक कि सलमान खान के घर के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग पर भी कभी बाबा सिद्दीकी ने खुद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। आगे बढ़ने से पहले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 6 किरदारों पर ध्यान दीजिए। पहला किरदार शिवम कुमार गौतम, दूसरा किरदार धर्मराज कश्यप, तीसरा किरदार गुरमेल सिंह, चौथा किरदार मोहम्मद जीशान अख्तर, पांचवा किरदार प्रवीण लोनकर और छठा किरदार शुभम लोनकर। जिस जीशान अख्तर की बात हो रही है उसका असली नाम मोहम्मद यासीन अख्तर। इसके गैंग में 22 लोग हैं और इसके खिलाफ जालंधर के एक पुलिस स्टेशन में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि इसने रानो नाम के शख्स से फिरौती मांगी थी और फिरौती नहीं देने पर उसके घर पर 2 गोलियां चलाई थी। जीशान उर्फ जस्सी वारदात को अंजाम देने के लिए .32 और .30 की पिस्टल का इस्तेमाल करता है। जीशान के खिलाफ मर्डर केस के साथ साथ 7 मुकदमे दर्ज हैं और इसे अपराध की दुनिया में जुल्मी के नाम से भी बुलाया जाता है। पंजाब पुलिस ने जीशान अख्तर को साल 2022 में गिरफ्तार किया था और सौरभ महाकाल भी जीशान के घर कई बार रुका है। सौरभ महाकाल पुणे का वही गैंगस्टर है जिससे मुंबई पुलिस ने सलमान के पिता सलीम खान को धमकी भरे भेजे गए लेटर भेजने के मामले में पूछताछ की थी।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सौरभ महाकाल का नाम आया था। जीशान अख्तर ने बिश्नोई के करीबी विक्रम बराड़ के कहने पर पंजाब में रेकी की थी और वो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में रहता था। कहा जा रहा है कि वो एक स्पेशल ऐप के जरिए अनमोल बिश्नोई से बातचीत करता था। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल टाइमिंग को लेकर खड़ा हो रहा है। पूछा जा रहा है कि आखिर विजयदशमी के दिन ही उसकी हत्या क्यों करवाई गई। इस सवाल का जवाब दे रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। शनिवार रात बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंचे। जिशान सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके से विधायक है। वहीं जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर दी गई। बाबा सिद्दीकी के पेट और सीने में 3 गोलियां लगी। बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शनिवार को दशहरा भी था, शोर शराबा भी हो रहा था और पटाखों की आवाज भी आ रही थी। शनिवार की रात बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस पहुंचे। जिशान सिद्दीकी विधायक भी है। वही जिशान की ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी पर हमला हो गया। पेट और सीने में गोली लगी। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शनिवार को दशहरा भी था, बाहर शोर शराबा था, पटाखों की आवाज थी। शनिवार की रात जब बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलाई गई, तब वो दशहरा के मौके पर आतिशबाजी कर रहे थे। इसके कुछ देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके त्योहार की शुभकामनाएं भी दी। बेटे के दफ्तर के बाहर जिस वक्त बाबा सिद्दीकी पटाखे फोड़ रहे थे, उसी वक्त एक गाड़ी रुकी। उसमें से 3 हमलावर बाहर निकले। चेहरों को ढककर आए हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। कुल 6 राउंड फायर हुए, जिनमें से एक सिद्दीकी के सीने में लगी और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद फायरिंग करने वालों ने वारदात के लिए जानबूझकर ऐसे समय को चुना जब पटाखे की आवाज गूंज रही थी, ताकि गोली की आवाज आतिशबाजी के बीच अलग से दर्ज न हो सके। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वारदात के पीछे चाहे जो हो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई तक पहुंचने के पहले तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। उनमें से एक खुलासा हुआ है कि बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर थे। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता पारस धामा। पुलिस सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार इन आरोपियों को 2 लोगों को मारने की सुपारी दी गई थी, जिसमें एक बाबा सिद्दीकी थे और दूसरे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी थे। वहीं इन तीनों आरोपियों को ये भी आदेश दिए गए थे कि अगर आप दोनों को साथ में ना मार पाओ तो जो पहले सामने आए उसे मार देना। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि विधायक जीशान सिद्दीकी भी बिश्नोई गैंग के टारगेट पर थे, यानी शूटर्स को जीशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने हरियाणा के गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया है, जिनमें से गुरमेल का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक तीसरा आरोपी शिव कुमार मौके से फरार हो गया। तीनों आरोपी रहते थे
वो एक छोटा सा 10x10 का मकान है जो कि कुर्ला की एक चौल में स्थित है। साथ ही अगर आप देखें तो कहीं भी आपको कोई बर्तन नहीं दिखेगा, मतलब ये लोग यहाँ पर रहते ज़रूर थे मगर कहीं ना कहीं बाहर रहते थे, सिर्फ सोने के लिए आते हो उस तरीके का प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ जो लोग रहते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये तीनों जो हैं इस तरीके के होंगे और इस तरीके की वारदात को अंजाम देंगे। इस पूरे मामले में बहुत सारी परतें जो हैं वो अभी खुलना बाकी हैं। पुलिस को शक है कि हमलावरों को बाबा सिद्दीकी और उनके विधायक बेटे दोनों को निशाना बनाने को कहा गया था। दशहरे के दिन जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर में पहुंचे तब पिता और पुत्र एक ही जगह पर थे। शायद आरोपियों को इसकी जानकारी भी मुहैया कराई गई थी। फिलहाल शक के आधार पर बहुत सारी बातें सामने आ रही है। वहीं मिसाल के तौर पर मुंबई पुलिस को इस बात का भी शक है कि तीनों शूटरों को इस बारे में जानकारी मिल गई थी कि जीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी एक ही जगह पर मौजूद हैं, और जैसे ही बाबा सिद्दीकी ने जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले वैसे ही तीनों शूटरों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा के पास नई जानकारी के साथ। हमने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस स्टोरी में देने की कोशिश की है। अब हम आपको एक महीना पीछे ले चलते हैं। सितंबर की शुरुआत में कनाडा के बैकुंबर में एक घटना हुई। जाने माने सिंगर एपी ढिल्लो के घर के बाहर फायरिंग होती है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जिसकी जिम्मेदारी लेता है, ढिल्लो और लॉरेंस के बीच नाम आता है सलमान खान का। लॉरेंस गैंग ये कहते हुए धमकी देता है क्योंकि सिंगर ने अपने गाने में सलमान खान को रखा है इसलिए उसके घर के बाहर फायरिंग की गई है। 1998 में काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान का नाम सामने आने के बाद कई बार लॉरेंस बिश्नोई कई तरह से सलमान खान के विरोध में मैसेज या धमकी देता रहा है। लेकिन क्या बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी यही एंगल है? बाबा सिद्दीकी की हत्या की मुंबई क्राइम ब्रांच हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई कारोबारी रंजिश तो नहीं। ये पता चल रहा है कि बांद्रा में एक स्लम का रीडेवलपमेंट होना था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई विवाद बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह हो सकता है। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एंगल से भी जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी इसका विरोध कर रहे थे। स्लम में सर्वे करने गए SRA अधिकारियों के काम में कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में जीशान और उनके कुछ समर्थकों पर मामला भी दर्ज हुआ था। माना जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार उज्जैन से भी जुड़े हो सकते हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यहां पहुंची हुई है। दरअसल वारदात में शामिल शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा के बारे में कहा जा रहा है कि वो उज्जैन की ओर भागा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ खोजबीन की है। इस दौरान जब पुलिस दस्ते ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो स्थानीय रेलवे स्टेशन पर यात्री भी उन्हें हैरान होकर देख रहे थे। जांच के दौरान जो बातें पता चल रही हैं उनके आधार पर कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी ली गई। ये भी बताया जा रहा है कि हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ उसे कुरियर के जरिए हमलावरों तक पहुंचाया गया। बात यहीं तक नहीं है, इस हाई प्रोफाइल हत्या की वारदात में बार बार एक दोस्ती का जिक्र क्यों हो रहा है, बता रही हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी। आपको याद होगा अभी हाल ही में सलमान खान के पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया था। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच के तमाम दुश्मनी की तस्वीरें हमने देखी और सुनी हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की जो दोस्ती के नज़ारे हैं वो भी हमने देखे हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस इस मामले पर भी जाँच करेगी कि कहीं बाबा सिद्दीकी के हत्या की वजह सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती तो नहीं बनी हुई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई का एक कथित पोस्ट सामने आया जिसमें उसकी तरफ से जिम्मेदारी ली गई कि उसने ही वारदात को अंजाम दिलवाया है। अप्रैल 2024 में जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी हुई थी तब भी पुलिस के सामने आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला था और लॉरेंस गैंग ने पोस्ट करके उस घटना की जिम्मेदारी भी ली थी।
पूरे मामले में यदि देखें तो लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को बचाने के लिए बाबा सिद्दीकी एक अहम भूमिका भी निभाते आए हैं और साथ ही उनकी सुरक्षा में बाबा सिद्दीकी का एक अहम रोल भी माना जाता था। लेकिन क्योंकि बाबा सिद्दीकी को इस प्रकार मार कर लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे मामले को अपने सिर लिया है और अपने आप को अपने गिरोह को जिम्मेदार बताया है, जिसके चलते यहाँ पर जो पुलिस की बंदोबस्ती है उसे बढ़ा दी गई है। अभी हाल में भी जब सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक करने के बाद अपने घर के सामने ही सीमेंट की बेंच पर बैठे थे, तब स्कूटी पर आए एक युवक और युवती ने उन्हें धमकी दी थी। सलीम खान के पास आकर आरोपी ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को भेजू क्या। बाबा सिद्दीकी राजनीति से जुड़े हुए थे, बॉलीवुड के सितारों के साथ उनके अच्छे संबंध भी थे, लेकिन क्या वारदात के पीछे बस यही कारण हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के दोस्त थे और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है। दोस्ती और दुश्मनी की इस खबर के पीछे क्या कोई तीसरी खबर भी है? चलते हैं हमारे सहयोगी अक्षय कुड़केलवार के पास। लॉरेंस बिश्नोई की बाबा सिद्दीकी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए एक शक ये भी हो रहा है कि कहीं किसी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अपनी पुरानी दुश्मनी तो नहीं निकाली है। आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जांच के दौरान तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की आशंकाएं सामने आ रही है, कभी दाऊद का नाम तो कभी सलमान खान का एंगल। लेकिन पुलिस इस बात की भी जाँच कर रही है कि कहीं कोई तीसरा गैंग तो नहीं है, कहीं सलमान खान और दाऊद की बातों में उलझाकर किसी और गैंग ने इस वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। खबरों के मुताबिक लॉरेंस गिरोह के पास 700 से ज्यादा शूटर हैं और वो अपने गैंग को इस तरह से बढ़ा रहा है कि अलग अलग राज्यों में वारदात को अंजाम दिया जा सके। ऐसे में ये भी संभव है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में उसके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि ये काम किसी और का हो। जो भी हो, तय है कि नतीजे तक पहुंचने से पहले इस मामले में कई और जानकारियां सामने आएगी, कई और नए नए खुलासे भी होंगे। इस खास बुलेटिन में मुकेश रौनक, पारस सुजाता और पूजा के साथ मुझे यानी अक्षय कुड़केलवार को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है।